नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो हीरो मोटरकॉर्प के बाइक और स्कूटर भी 1 अप्रैल को हो जाएंगे महंगे, कीमतों में 2% तक की होगी बढ़ोतरी। टू व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटरकॉर्प के बाइक और स्कूटर जो है महंगे होने वाले। दरअसल कंपनी ने बुधवार को कहा है कि वे अपने चुनिंदा प्रोडक्ट्स की एक्स शोरूम कीमतों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। नई कीमतें जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बयान के अनुसार गुरुग्राम हेडक्वार्टर वाली कंपनी ने कहा है कि कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी होने वाली है। वही कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख वजह जो है वो OBD2 यानी ऑन डिमांड बोर्ड डायग्नोस्टिक में बदलाव के चलते यहाँ पर लागत बढ़ना है। आपको की ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक से वाहनों के इंजन में किसी भी तरह की परेशानी के संकेत जो है इसमें मिलता है, जिसके जरिए रियल ड्राइवर एडमिशन से वाहन द्वारा पैदा किए जा रहे उत्सर्जन की जानकारी जो है उसी समय यहाँ पर मिल जाती है। वही हीरो मोटरकॉर्प का कहना है कि ग्राहकों पर प्राइस हाइक का असर कम करने के लिए वह फाइनेंसिंग सोल्यूशन ऑफर जारी रखेगी। पिछले हफ्ते हीरो मोटरकॉर्प ने घोषणा की थी कि वे अगले 2 या 3 वर्षों में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से सालाना 10 लाख से अधिक वाहन तैयार करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, अब घर बैठे ही मिल जाएगी नई सिम। शुरू हुआ है सेल्फ KYC प्रोसेस। नई सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को रिटेल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए सेल्फ KYC प्रोसेस शुरू किया है। वही इंडस्ट्री की पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो अपने यूजर्स को इस तरह की सुविधा यहाँ पर दे रही है। सेल्फ KYC प्रोसेस उन ग्राहकों के लिए काम का साबित होगा जो नई वोडाफोन आइडिया की सिम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। वही वोडाफोन आइडिया की नई सिम खरीदने के लिए ग्राहक को अपने नजदीकी स्टोर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक जो है घर बैठे अपने जो सिम है उसे यहाँ पर घर बैठे यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यह जो नया जो सेल्फ KYC प्रोसेस है केवल 2 सर्कल्स में यहाँ पर लॉन्च किया है। ये 2 सर्कल्स है कर्नाटक और कोलकाता। कोलकाता और कर्नाटक में यहाँ पर फिलहाल सेवाएं शुरू की गई है। इसके अलावा सभी सर्कल्स में सर्विस को आने वाले दिनों में यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ये प्रोसेस केवल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें आपको कि नया सेल्फ KYC प्रोसेस उन यूजर्स के लिए काम का साबित होगा जो वोडाफोन आइडिया की नई सिम लेने वाले हैं। इस प्रोसेस के इस्तेमाल कर वे घर बैठे वोडाफोन आइडिया की नई सिम खुद ओके ऑर्डर कर सकते हैं। वह इसके लिए उन्हें नजदीकी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें आपको कि इससे पहले नई सिम खरीदने के लिए KYC करना होता था, जिसके जरिए यूजर्स कंपनी के स्टोर पर उन्हें जाना पड़ता था। हालांकि नए सेल्फ KYC प्रोसेस के बाद यूजर्स घर बैठे ही यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरा कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप लाया है ग्रुप यूजर्स के लिए 2 नए अपडेट। एडमिन के हाथ होगी अभी कमांड। मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए अपडेट लाता रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप यूजर्स के लिए 2 नए फीचर्स अभी एड करने जा रहा है। इनमें से एक फीचर ऐसा होगा जिसमें एडमिन किसी भी यहाँ पर बाहर के जो पार्टिसिपेंट्स है उसको यहाँ पर ग्रुप में आने के लिए अप्रूवल या फिर रिजल्ट उसको यहाँ पर कर सकता है। दूसरा फीचर है किसी भी ग्रुप में कौन सा यहाँ पर पार्टिसिपेंट कॉमन है वह देख सकेगा। फिलहाल इस फीचर को बीटा टेस्टर के लिए अभी जारी किया गया है। वह बीटा इनपु की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को जल्द ही iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। वही ग्रुप प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप एडमिन को ज्यादा कंट्रोल देने के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर जारी करने वाला है। नए फीचर में एडमिन ये तय कर सकते हैं कि कौन ग्रुप में शामिल हो सकता है कौन नहीं। वह एडमिन के पास ग्रुप के इनवाइट URL को शेयर करने और अपने ग्रुप को किसी भी यहाँ पर कम्युनिटी में शामिल होने योग्य बनाने का ऑप्शन इसमें होगा। वही फिलहाल नया फीचर जो है बीटा टेस्टर के लिए रिलीज यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आ गई है देश में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। PM मोदी 8 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बहुत जल्दी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। बता दें आपको कि PM मोदी जो है 8 अप्रैल को चेन्नई का दौरा करेंगे, जहां वो 294 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान PM मोदी चेन्नई से कोवाई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। तरबम से सोनकोटाई एक्सप्रेस का भी उद्घाटन वो यहाँ पर करेंगे। इससे पहले PM मोदी ने डिंडीगुल में गांधीधाम ट्रस्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में भाग लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को तमिलनाडु का दौरा किया था। वही दिल्ली जयपुर अजमेर रूट पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू होने वाली है। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ पर 10 अप्रैल से पहले शुरू करने की उम्मीद अपन को है। वह उन्होंने कहा है कि इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने से पहले यहाँ पर कुछ तकनीकी बदलाव करने की जरूरत है। एक बार ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रफ्तार भरेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में आज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 25 मार्च और 26 मार्च को गिरेंगे ओले। देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कल भी यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है। वही कल भी यहाँ पर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर मध्य और पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज जो है पश्चिम राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। वही कल जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश, जबकि 25 और 26 को यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। वही पिछले 2-3 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। रबी की फसलों और सब्जियों को नुकसान इसमें हुआ है। वही राज्य सरकारों की ओर से राहत के नाम पर किसानों को यहाँ पर बूंदों के समान घोषणाएं का दिलासा यहाँ पर मिल रहा है। वही हरियाणा में यहाँ पर 1,57,000 एकड़ भूमि पर बारिश यहाँ पर हुई है। 11 जिलों में 2,720 गांवों में यहाँ पर हरियाणा में राजस्व विभाग ने सभी डीसी के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। वही कृषि विभाग ने जिला कृषि निदेशकों से रिपोर्ट यहाँ पर जो है मांगी। इसके अलावा राजस्थान में भी 10 जिलों के 40% फसलें खराब यहाँ पर हुई है। राजस्थान में जीरा, अरंडी और गेहूँ की फसलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 10 जिलों में 40% जो है फसलें खराब हुई है। इसके अलावा पंजाब में भी 4,00,000 हेक्टेयर को नुकसान यहाँ पर हुआ है। पंजाब के पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर, मोगा, लुधियाना, गुरुदासपुर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। वही झारखंड में भी 4 जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें रामगढ़, देवघर और इसके अलावा रांची और साहिबगंज में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बिहार के भी 12 जिले जो है इस बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।